हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम फेस जोन के इस एपिसोड में हेनरी फोर्ड के बारे में जानने वाले हैं। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन उद्योगपति, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और मास उत्पादन असेंबली लाइन के स्पॉन्सर भी थे। फोर्ड ने पहली ऑटोमोबाइल कंपनी विकसित की और निर्मित भी की, जिसे अमेरिका के मध्यम वर्गीय लोग भी आसानी से ले सकते थे। उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया था और जल्द ही इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली और साधारण ऑटोमोबाइल कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली, जिसने यातायात और अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी। फोर्ड कंपनी के मालिक होने के साथ ही दुनिया के सबसे धनी और समृद्ध लोगों में से एक थे। उन्हें फोर्डिज्म की संज्ञा भी दी गई थी। फोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्यापकता को बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर बहुत से ग्राहकों को आकर्षित भी किया था। इसके बाद फोर्ड की फ्रेंचाइजी भी उत्तरी अमेरिका के बहुत से भागों में खोली गई। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति भी फोर्ड फाउंडेशन के नाम पर कर दी थी और ऐसी व्यवस्था भी करा दी था कि वह स्थायी रूप से उनके ही परिवार के नियंत्रण में बनी रहे। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के सोमसेट से था। फोर्ड के 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हेनरी फोर्ड के भाई बहनों में मार्गरेट फोर्ड 186/7/1938, जेन फोर्ड 1868/1945, विलियम फोर्ड 1871/1917 और रॉबर्ट फोर्ड 1873/1934 शामिल है। किशोरावस्था में उनके पिताजी ने उन्हें एक जेब घड़ी दी थी। 15 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे, लेकिन दोस्त और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। परिस्थिति को देखकर उनके पिता उन्हें पारिवारिक फार्म देना चाहते थे, लेकिन फोर्ड को फार्म पर काम करना पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे कभी भी फार्म से प्यार ही नहीं था, बल्कि फार्म में काम करने वाली मेरी माँ से मुझे प्यार था। 1879 में जेम्स एफ फ्लावर ब्रदर्स और बाद में 1882 में ड्राई डॉक कंपनी के साथ काम करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने वेस्टिगा हाउस में भी स्टीम इंजन पर काम किया। इस समय में फोर्ड ने गोल्डस्मिथ ब्रायंट स्ट्रेटन बिजनेस कॉलेज में बुककीपिंग का भी अभ्यास किया था। फोर्ड ने क्लारा जेन ब्रायंट 1866/1950 से 11 अप्रैल 1888 को हुई थी और उनकी पत्नी की सहायता से ही वे एक सॉमिल भी चलाते थे। उनका एक बेटा भी है, एडसेल फोर्ड 1893/1943। 1891 में फोर्ड एडिसन ज्ञानवर्धन कंपनी के इंजीनियर बने। 1893 में मुख्य इंजीनियर के रूप में उनका प्रमोशन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय और पैसे दोनों थे, और तभी उन्होंने गैसोलीन इंजन पर खोज करना भी शुरू किया। उनकी यह खोज 1896 में पूरी हुई और उन्होंने एक गाड़ी का भी निर्माण किया, जिसका नाम फोर्ड क्वेटसाइकिल रखा गया था। उन्होंने 4 जून को इसका सफल प्रशिक्षण भी किया था। बहुत सी टेस्ट ड्राइव के बाद फोर्ड ने अपनी क्वेटसाइकिल में बहुत से सुधार भी किए। 1896 फोर्ड ने एडिसन के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी अटेंड की। वहां उनका परिचय थॉमस एडिसन से हुआ था। वहां उन्होंने फोर्ड ऑटोमोबाइल के प्रोजेक्ट को सभी के सामने रखा। एडिसन ने उनके इस प्रोजेक्ट को सराहना भी की और फोर्ड के आकार और गाड़ी बनाने का काम भी 1898 में पूरा हुआ। डेट्रॉइट लंब रबेरन विलियम एच मफी की पूंजी के समर्थन से चलने वाले फोर्ड ने एडिसन कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था और 5 अगस्त 1899 को नई डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना भी की थी। उस समय पहले कम गुणवत्ता वाली गाड़ियों के निर्माण में भी बहुत लागत लगती थी, इसी वजह से उनकी कीमत भी ज्यादा होती थी। इसी वजह से इस कम पनी को सफलता नहीं मिल सकी और जनवरी 1901 में कंपनी खत्म हो गई थी। बाद में सी हेरोल्ड विल्स की सहायता से फोर्ड को फिर से डिजाइन किया गया, इसे पुनर्निर्मित किया गया और सफलतापूर्वक अक्टूबर 1901 में 26 हॉर्स पावर के साथ चलाया गया था। इसी सफलता के साथ मफी और दूसरे सहकर्मियों ने डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी को बदलकर हेनरी फोर्ड कंपनी की स्थापना 30 नवंबर 1901 को की थी, जिसकी फोर्ड मुख्य इंजीनियर थे। 1902 में फोर्ड के कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद मफी ने फिर से कंपनी का नाम बदलकर किडिलैक ऑटोमोबाइल कंपनी रखा। 1902 में ही 8 हॉर्स पावर के साथ फोर्ड ने साइक्लिस्ट कूपर के साथ मिलकर रेस 999 में जीत भी हासिल की। इसके बाद फोर्ड को एलेक्जेंडर वाई मलकोम्सो का समर्थन मिला, जो डेट्रॉइट के ही कोल डीलर थे। उन्होंने पार्टनरशिप में फोर्ड मलकोम्सो लिमिटेड की स्थापना भी की, जो ऑटोमोबाइल का उत्पादन करती थी। इसके बाद फोर्ड बहुमूल्य गाड़ियों के निर्माण और उन्हें डिजाइन करने में लग गए। तो यह थी हेनरी फोर्ड की जीवन की कथा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब